हमीरपुर जिला में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए जिला की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी के चलते हमीरपुर से कांगड़ा को जोड़ने वाले ब्यास पुल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाहर से आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही पूरी छानबीन करने के उपरांत ही अनुमति दी जा रही है। सुजानपुर के ब्यास पुल पर कांगड़ा जिला को जोड़ने वाली सीमा पर पुलिस बल के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम दिन रात चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि हमीरपुर के साथ लगते कांगड़ा जिला में इस समय हिमाचल के सबसे ज्यादा 13 एक्टिव पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में अब 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें बड़सर, ग्लोड़, बजरोर और कक्कड़ से व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी दिल्ली से आए हुए थे। जिला में बाहरी लोगों की वजह से बढ़ रहा कोरोना बीमारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। इसी के चलते जिला की सीमाओं पर एहतियातन चौकसी बरती जा रही है। हमीरपुर कांगड़ा सीमा पर मोर्चा संभालते हुए SHO सुजानपुर सुभाष शास्त्री ने बताया कि सीमा के साथ ही बजरोल गांव पड़ता है, जहां पर कुछ दिन पहले ही 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे और इसके चलते अब सख्ती और बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कांगड़ा जाने वाले और आने वाले लोगों से भी पूछताछ करने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग करके ही उन्हें भेजा जा रहा है। उस एरिया को पूरी तरह से कंटेनमेंट एरिया जोन बना दिया गया है और वहाँ पर नाकाबंदी भी करी गई है। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं उनकी प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और जितने भी वाहन में जो लोग कहीं से भी आ रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा, पूरी परमिशन का अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद ही उसे भेजा जा रहा है। सर, अगर हमारे पास 17 आदमी जो आइसोलेशन क्वारंटाइन में रखे गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और होम क्वारंटाइन उसी आदमी को भेजा जा रहा है जो कि ग्रीन जोन से या किसी दूसरी जगह से आ रहा है, जो कि रेड जोन से आ रहा है उसके तो अभी प्रशासन की तरफ से जो आदेश प्राप्त हुए हैं उन्हें तुरंत 14 दिन के लिए आइसोलेशन क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और पूरा प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अन्य जो जो भी, चाहे वो पंचायत का प्रधान हो, सभी का एक ही लोगों को संदेश है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और नियमों का पूरा पालन करें, अपने आप को भी बचाएं और औरों को बचाएं, जो कि ये प्रशासन जो है या पुलिस जो है ये एक ओनली बाड़बंदी है। नियमों का पालन करना लोगों का अपना काम है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि स्वयं भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें ताकि ये महामारी का अंत हो सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना बीमारी के कारण पूरी एहतियात बरती जा रही है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को जाने के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों से कोरोना बचाव के लिए जागरूक करने के अलावा उनकी पूरी हिस्ट्री भी पूछी जा रही है। स्कैनिंग कर रहे हैं उसकी, और अगर उसका टेम्परेचर राइज आ रहा है तो उसको यहीं पे उसको स्टे करवा रहे हैं और DMO सर को इन्फॉर्म करके आगे फिर उसकी सैंपलिंग और क्वारंटाइन की जो व्यवस्था है वो की गई है। नहीं आ रहा है अभी रेड जोन से जो आ रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा तो नहीं आया कि उनके